बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने अपना सबक शुरू किया हुआ है पंजाबी नसर दियाँ वंडा। उम्मीद है कि तुसी इसनू जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता असी पढ़ रहे हैं तुसी इसनू समझ रहे होगे। सफ़रनामे तक असी गल कीती सी, सफ़रनामे तो बाद असी हुण जिस वंड बारे गल करांगे वो है इंशाइया। इंशाइया इंशा परदाजी तो निकलिया है। इंशा परदाजी तो मुराद है मजमून लिखना। लुगवी मानिया विच मौजू तो हट के इनू एक अजेही तहरीर होना चाहिदा है जिदे विच इंशा परदाजी और बयान दे जोर नू खास अहमियत हासिल होवे। पर जे असी सलाई मानिया विच इनू वेखिए ते एक खास किस्म दी सिनफ इस नू लिया जांदा है जिहड़ी अफसाने तो थोड़ी वक्री है, तंस ते मिजाज तो मुख्तलिफ ते आम मजमूना तो हट के अपनी एक वक्री पहचान रखती होवे। मौजूदा हवाले नाल इंशाइया अंग्रेजी दी सिन लाइट पर्सनल ऐसे दा तर्जमा बनता है और तहकीक करन वालियां दी अक्सरियत हले तकर इंशाइये दी किसी खास और मुकम्मल तारीफ तक नहीं पहुंच सकी, जिदी एक वजह तो यह है कि इंशाइया बहुत देर बाद पंजाबी नसर निगारी विच आया, यानी कि बहुत पहले अफसाने नावल ड्रामा और सफ़रनामे लिखे जाते रहे और इंशाइये बारे किसी ने गल नहीं की, बहुत देर बाद पंजाबी नसर दे विच लिखा गया। दूसरी एक वजह भी हो सकती है कि यह एक लचकीली जी सिनफ है जिसका ताल्लुक दाखली सतह नाल है ते खारजी सतह ते इहदी कोई अपनी खास शक्ल नहीं है, लेकिन फिर भी साढ़े कोल इहदा एक मजमुआ मौजूद है जिवें मुश्ताक बासित होलां की किताब सुख दा सा, ये पंजाबी विच छपन वाली पहली किताब है और इस दे लिखारी मुश्ताक बासित होरां ने आप ही इस किताब नू इंशाइये दी किताब आख्या है। इन्हां तो इलावा पंजाबी विच जिन्हां ने इंशाइये लिखे ने उन्हां दे विचों असलम कुरैशी साहब ने, आशिक रहील ने, मुहम्मद असलम, डॉक्टर नासिर राणा, डॉक्टर मियाँ जफर मकबूल ते होर भी कई लिखारी जड़े ने वो सामने आए ने जिन्हां दे जरिए इंशाइये दे मुख्तलिफ मसमून जड़े ने असी इसनू मसमून ही आख लैने और हल्का फुल्का मिजाज का एक रंग मौजूद हुंदा है। हल्का फुल्का नहीं, तंस का रंग जरा ज़्यादा हुंदा है। इंशाइये नू असी पढ़ते जाने और इस तो असी लुत्फ हासिल करते जाने और असी आहिस्ता आहिस्ता जदों इंशाइये दे आखिर ते पहुँचते हाँ तो सानू पता लगता है कि लिखारी ने हासे हासे विच ही सानू बहुत सारिया मालूमात भी दे दित्तियां ने, सानू बहुत सारा इल्म भी दे दिता है और बहुत कुछ सानू सोचन ले भी दे दिता है। यानी कि वह माशरे की एक ऐसी कमी या कमजोरी बारे गल करता है जिसके उत्ते आम तौर पर साड़ी नज़र नहीं जाती। इस तो बाद असी अगली सिनफ जिस बारे असी गल करांगे वो है तंस ते मिजाज। तंस ते मिजाज के बारे लिखा जाता है कि तंस ते मिजाज की अदब विच बहुत ज़्यादा अहमियत है। जिस तरह खाने दे विच नमक की बहुत अहमियत है, उस तरह ही अदब दे विच तंज और मिजाज का होना बहुत जरूरी है। क्यों जे हयाती नूं अगे वधाउण लई और अगे वधण लई सानूं जिथे संजीदगी दे नाल काम लैणा हुंदा है उत्थे इंसान जदों थोड़ी अपने जुस्से अंदर थकावट महसूस करदा है ते फिर उत्थे मिजाज जिहड़ा ओह इक मरहम दा काम दिंदा है और ऐसी तफरी सानू मुहैया करता है कि इंसान का दिल ते दिमाग कुछ चिर लई अपने आल दुआले तो जरा कट के अपनी ओदी तसली हो जाती है और अपने आप नू इंसान हल्का फुल्का महसूस करता है और इस मिजाज के बाद वो अपने आप नू अगे टुरन लई तैयार समझता है। बुनियादी तौर पर जे तंस ते मिजाज बारे गल करिए ते तंस ते मिजाज सिनफे सुखन नहीं बल्कि मौजूए सुखन है। सिनफे सुखन तो मुराद ये हुंदी कि अपने अंदर एक मुकम्मल सिनफ होवे, ये वो तो नहीं है लेकिन ये हर चाहे अफसाना होए चाहे ड्रामा है चाहे कोई शायरी है कोई भी सिनफ होवे उदा
तंस ते मिजाज उहदा मौजू जरूर हो सकता है, यानी मिजाज शायरी विच भी वरत्या जा सकता है ते नसर विच भी। नसर लई नसर विच अगर असी मिजाज दा नाम लईए ते उहदे विच जिहड़े हरबे इख्तियार किते जांदे ने उहनां विच लफ्ज़ी बाज़ीगरी है, लतीफा गोई है, वाकियाती मिजाज है, सूरत हाल दा मिजाज है, ये मिजाज ज़्यादा मशहूर ने। खाका निगारे विच असलों मिजाज की एक जेली सूरत है जिदे विच शगुफ्ता अंदाज इख्तियार करके इंसान की शख्सियत का तज़िया किया गया हुंदा है। पंजाबी नसर विच मिजाज दा अगर असी आगाज़ के बारे गल करिए तो सानू बहुत दूर भी अगर असी जाइए तो सानू हफ्तावार एक मखौलिया अखबार मौजी मिलता है जिहड़ा 1931 विच जारी होया सी। इस तो इस अखबार मौजी तो पहला सानू पंजाबी नसर विच मिजाज दा कोई खास नुक्ता हाथ नहीं आता। फिर पाकिस्तान बनने तो बाद अनवर अली लिखारी ने, अफसाना निगार ने, और पाकिस्तान बनने तो बाद अनवर अली की किताब कालियां इट्टां काले रोड जड़ी के 1972 विच छपी सी वो मिलती है। ये बाद सानू अरशद मीर, असलम कुरैशी, इबने कैसर, सजाद हैदर होर दियां लिखतां ते किताबां आईयां ते और इन्हां दे लिखे हुए मुख्तलिफ मजमूना दे विच भी सानू चौखा मिजाज जिहड़ा है वो नज़र आंदा है। ये तंज और मिजाज दे बारे च एक जुज़वी जिही गलबात सी। असीं हुण इन्हां दे सवाल जड़े ने वो मैं तुहानू लिखवानी आ। जिस तरह इंशाइए बारे असीं लिखांगे कि इंशाइया किस लफ्ज़ तो बनया है, इंशाइया किस लफ्ज़ तो बनया है। दूसरा सवाल लिखो, इंशाइए की एक मुकम्मल तारीफ हुण तक क्यों नहीं सामने आई। इंशाइया निगारी की एक मुकम्मल तारीफ हुण तक क्यों सामने नहीं आई। पंजाबी विच छपन वाली पहली इंशाइए की किताब केड़ी है। कोई पंज पंजाबी इंशाइया निगारां दे नाम लिखो। इंशाइए दा बुनियादी मकसद की हुंदा है, इंशाइए दा बुनियादी मकसद की हुंदा है। अगे असी तंस ते मिजाज बारे गल करने। किसी भी अदब दी सिंफ विच तंस दे मिजाज दी अहमियत बारे लिखो। तंस ते मिजाज सिंफे सुखन है या मौजुए सुखन। तंस ते मिजाज दियां मुख्तलिफ शक्लां केड़ियां ने। की असी खाका निगारी नूं वी मिजाज आख सकते हैं? की असी खाका निगारी नूं वी मिजाज दी शक्ल आख सकते हैं? पंजाबी नसर विच मखौलिया अखबार मौजी किस सन विच जारी होया, किस सन विच जारी होया? कालियां इट्टां काले रोड किस सन विच छपी, कालियां इट्टां काले रोड किस सन विच छपी? पंजाबी दे ऐसे लिखारियां दे नाम लिखो जिन्हां दियां तहरीरां विच तंस ते मिजाज पाया जांदा है। ये तंस ते मिजाज दे दो चार सवाल सन। अपने अगले लैक्चर दे विच असी इस सबक दे जिहड़े आखरी दो साढ़े कोल हिस्से बचे ने वो है, एक है तनकीद और उस तो बाद है तहकीक।
अपने अगले लैक्चर दे विच असीं तनकीद और तहकीक बारे गल करांगे और फिर साडा इह सबक जिहड़ा है ओह इख्तिताम नूं पहुँच जाएगा। अगले लैक्चर च असीं तनकीद ते तहकीक बारे गल करांगे।